हम अक्सर इन बातों से अनजान रहते हैं कि रात के अंधेरों में कौन हमारे घर की खिड़कियां दरवाजे खटखटाता है या कौन हमारे घर में घुसकर चोरी कर जाता है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे रात के अंधेरों में ही नहीं बल्कि दिन दहाड़े चोर देते हैं अपनी चोरियों को अंजाम। अब जरा इस पहले वीडियो पर गौर करें। यहाँ पर एक छोटी सी कपड़ों की दुकान पर दो लोग पैसा छुट्टा कराने आए हैं। आमतौर पर छुट्टे के नाम से लोग बौखला जाते हैं, लेकिन यहाँ ये बुजुर्ग बच्चों पे दया करके उन्हें छुट्टा देने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि छुट्टे के चक्कर में उसकी तिजोरी ही साफ हो जाएगी। पैसों से भरा दराज खुलते ही उन दोनों लड़कों में से एक ने कपड़े की तरफ इशारा किया। अब आगे देखिए कि किस तरह इस तौलिए की आड़ में हुई पैसों की चोरी। बुजुर्ग का ध्यान भटकाते हुए ले उड़े नोटों का बंडल और बुजुर्ग को इसका इल्म तक नहीं। कपड़े अक्सर तन ढकने के लिए काम आते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हीं कपड़ों को अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए किस तरह ये औरत इस बड़े से बक्से को अपने पैरों तले दबा उड़ी। वहीं इस दूसरी औरत ने भी यही तरीका अपनाया। इन भारी बक्सों में कोई आम सामान नहीं बल्कि हाईटेक कंप्यूटर्स मौजूद हैं, जिनको उठाने में हमारा दमखम निकल जाए। वहीं कोई ये सोच भी नहीं सकता कि इस तरह से भी चोरी को अंजाम दिया जा सकता है। लगता है ये तरीका चोरों में काफी लोकप्रिय है। और यहां देखिए, इन औरतों को देखकर तो लगता है कि मेकअप का सारा सामान आज ही चुरा लेंगी। वहीं इस कपड़ों की दुकान में आज कपड़े एक झटके में कैसे कम हो जाएंगे जरा देखिए। बेखौफ इस बात से अनजान कि उनकी सारी करतूतें रिकॉर्ड हो रही हैं। और इस औरत की छलांग का तो क्या कहना। देखिए किस तरह चोरी के लिए बेताब होती दिख रही है ये औरत। तो कैसे दिया जाता है इस चोरी को अंजाम, आइए जानते हैं। अपनी करतूतों को अंजाम देने के लिए अक्सर ये लोग झुंड में आते हैं, जहां कुछ दुकानदारों को अपनी बातों में उलझाए रखते हैं और कुछ बड़े सामानों को इस तरह सामने रखते हैं कि चोरी छुपाई जा सके। देखिए किस तरह चालाकी से ये औरत एक सूटकेस को ऊपर रख रही है ताकि दुकानदार की आंखों के सामने एक पर्दा बन सके। और देखते ही देखते हो जाती है चीजें आंखों के सामने से ओझल और फिर चोर हो जाते हैं रफू चक्कर। लेकिन हर दिन एक सा नहीं होता, कभी कभी सतर्कता इन चोरों पर भी भारी पड़ जाती है। रंगे हाथों पकड़े जाने पर पिटाई भी जमकर होती है। पर चाहे कितने भी चोर पकड़ लिए जाएं, लेकिन चोरी की वारदातों का थमना मुश्किल है। जहां लोग भगवान तक का खौफ नहीं रखते, वही बच्चे जो भगवान का दूसरा रूप माने जाते हैं उन्हें भी बखूबी ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह वो भी चोर बन सके। तो कैसे बचा जाए इन वारदातों से, आइए जानते हैं। देखिए आज की वर्तमान जिंदगी में सीसीटीवी आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टूल बन गया है। उसका कारण यह है कि सीसीटीवी के माध्यम से न केवल अपने आसपास की होने वाली चीज़ें, आपके घर के आसपास की होने वाली गतिविधियों को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी सुरक्षा को और प्रबल बना सकते हैं, अपनी निजता के अधिकार को और ज़्यादा सुरक्षित कर सकते हैं। सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल करें। आधुनिक तकनीक आम जनता के लिए सहूलियत और सुरक्षा के तौर पर बनाई गई है। इसका घर, दफ्तर या दुकानों में उपयोग करने से पीछे न हटें। झुंड में आए लोगों से सतर्क। चाहे दुकान हो या घर, अक्सर लोग चोरियां झुंड में ही करते हैं, तो जब भी लोगों का बड़ा झुंड आपके नजदीक आते दिखे तो बेहद सतर्क हो जाएं। अलर्ट बटन का इस्तेमाल। ऐसी कोई भी वारदात होने की शंका पर 100 नंबर तो डायल करें ही, साथ ही अलर्ट बटन वाली सुविधा का भी प्रयोग करें जो बड़ी आसानी से आपके फोन में डाउनलोड हो जाती है और एक बटन दबाते ही
आपके परिवार और आपके प्रियजनों को आपकी जानकारी स्थिति के साथ पहुंच जाती है। आम नागरिक का फर्ज है कि वो अपने आसपास चल रही गतिविधियों पर नजर रखे, ताकि कभी आपकी अपनी ही मूल्यवान वस्तु गायब होते दिखे तो आपके पास उसका सबूत मौजूद हो, और हो सकता है कि शायद कैमरे की खौफ में चोर अपनी चोरी का इरादा ही बदल दे।